असलम फ्रेंड्स मैं यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएटिविटी सो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फेलिसिटी कंडीशन जो कि प्रेगमेटिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वट आर फेलिसिटी कंडीशन फॉर अ स्पीच एक्ट टू वर्क आर्ग्यूड दैट देर आर सैरल कंडीशन मेट एंड कंडीशन आर एज फेलिसिटी कंडीशन यानी कि स्पीच एक्ट को फुलफ़िल करने के लिए यानी स्पीच की मदद से कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जो जो कंडीशन होना लाजमी हैं या जिन कंडीशन के बग़ैर स्पीच एक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता उन्हें हम फेलिसिटी कंडीशन कहते हैं इन फ्रेगमेटिक्स द टर्म फैलिसिटी कंडीशन टू द कंडीशन दैट मस्ट बी इन प्लेस एंड इन द क्राइटेरिया दैट मस्ट बी सैटिस्फाइड फॉर स्पीच एक्ट टू अचीव द परपज अचीव परपज यानी कि स्पीच एक्ट से हमें कोई भी जो अपना पर्पज़ है वो फुलफ़िल करवाना है तो जो जो कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी वो फेलिसिटी कंडीशन कहलाती हैं तो सबसे पहले फेलिसिटी की पहली कंडीशन जो है वो है प्रोपोजिशनल कॉन्टेंट कंडीशन तो इसमें क्या होता है प्रोपोजिशनल कॉन्टेंट कंडीशन रिक्वायर्स दैट द लिक्वेसन मस्ट एग्जिबिट कन्वेंशली एक्सेप्टेबल वर्ड्स बाय इरेक्टिंग द स्पीच एक्ट इसमें हमने ये बताना है कि जो हमारी स्पीच होती है उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए यानी कि जो शख्स हमारी स्पीच को सुने वो उसको एक्सेप्ट करे हमारी जो बात है वो जिससे हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है वो कोई ऑकवर्ड ना लगे जैसे हम किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम उनसे अच्छे तरीके से कहेंगे कि हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए या कुछ भी हम उन्हें बड़े अच्छे तरीके से कहेंगे ना कि हम उन्हें कोई ऑकवर्ड तरीके से कहें हमारी जो अट्रेंस है हमारे जो सेंटेंस है स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए देयर मस्ट बी जनरली एक्सेप्टेबल प्रोसीजर फॉर सक्सेसफुली कैरिंग आउट द स्पीच एक्ट सच एज इनवाइटिंग समवन टू द वेडिंग यूजिंग रैदर दैन एन इन फॉर्मल ई मेल यानी हमने अगर किसी को शादी में इन्वाइट करना है तो हम उन्हें जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए हम उनको क्या करेंगे हम उनको जो है इन्विटेशन देंगे खुद और या फिर कार्ड का यूज़ करेंगे उसमें लिख कर एक्सेप्टेबल तरीके से देंगे ना कि हम उनको ई मेल कर दें कि आप शादी में इन्वाइट हैं आ जाइएगा या कुछ भी तो उसके बाद इसमें कहेंगे रिक्वायर्स द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज नॉट एक्ट लाइक एक्टर्स और टू लाइ परमानेंटली फॉर एग्जांपल प्रोमिस और वार्निंग मस्ट बी अबाउट द फ्यूचर सरकमस्टांसिस मस्ट बी अप्रोप्रिएट दैट इज सम मस्ट बी गेटिंग मैरिड यानी कि जैसे इसमें एक्सेप्टेबल वर्ड्स होते हैं और इसमें कोई झूठ वगैरह नहीं होता फॉर एग्जांपल हम ड्रामा वगैरह देखते हैं जिसमें शादी का कोई सीन होता है तो एक्टर एक्ट्रेस जो है वो कोई ऐसे बात करते हैं जिससे मतलब वो लगे कि वो शादी करने वाले हैं कुछ भी तो वो सारा स्पीच एक्ट उससे परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो झूठ होता है कि एक्टिंग होती है तो इसमें प्रामिसिंग या कुछ भी जो प्रामिस वगैरह है वो रियल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए अब नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड कंडीशन की जिसका नाम है प्रिप्रेटरी कंडीशन the person who use the speech act must be the appropriate person to use it in the particular context such as a bride or groom family or in some cases the bride or groom inviting the person to the wedding a friend of a couple getting married can सो so, इसमें हमने ये बताना है कि जो शख्स अथॉरिटी रखता है सिर्फ वही स्पीच एक्ट को परफॉर्म करवा सकता है उसे फुलफ़िल करवा सकता है या स्पीच एक्ट की मदद मतलब से वो पर्पस गेन कर सकता है फॉर एग्जांपल जो आप किसी की शादी में बिला वजह नहीं जा सकते ख़ुद से बल्कि अगर आप तो ग्रूम की फैमिली से हैं या ब्राइड की फैमिली से हैं तब आप जा सकते हैं या फिर आपको ग्रूम यानी कि दूल्हा या दुल्हन जो है वो खुद आपको इनवाइट करे तब आप जा सकते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी रखते हैं आप अगर दूल्हे के दोस्त हैं तो आप खुद से लोगों को इन्वाइट नहीं कर सकते क्योंकि आप अथॉरिटी नहीं रखते फॉर एग्जाम्पल विदाउट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन्वाइट टू समन टू द वेडिंग इसी तरह हम प्रीपरेटरी कंडीशन जो है इसमें यह भी एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट खड़ा होकर किसी दूसरे स्टूडेंट को पनिश नहीं कर सकता उसे ये नहीं कर कह सकता हैंड्स अप या कुछ भी उस पर स्पीच एक्ट अप्लाई नहीं कर सकता एक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकता लेकिन एक टीचर वो करवा सकता है वो किसी को भी पनिश कर सकता है क्योंकि वो अथॉरिटी रखता है तो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की बात करेंगे जो है सिंसेरिटी कंडीशन सिंसेरिटी कंडीशन में इसके नेम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि सिंसेयर होना चाहिए जो भी स्पीकर अपनी कोई बात करता है जिससे उसने स्पीच एक्ट करवाना है कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है उसे सिंसेयर होकर वो बात करनी चाहिए तो इसमें यह बताना है द पर्सन परफॉर्मिंग द स्पीच एक्ट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड थॉट्स यानी उस तरह की थॉट्स हो, भी हों उसकी फीलिंग्स भी हों इंटेंशंस भी हों तभी वो जाके स्पीच एक्ट जो है वो फुलफिल करवा सकता है

यानी कि एसेंशियल कंडीशन में हमने ये बताना है कि जो स्पीकर है जो बात कर रहा है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जो उसने बात की है उसके ऊपर उसने फोकस करना होगा ठीक है ताकि वो उस जो स्पीच एक्ट है उसको फुलफिल करवा सके और लास्ट में हमने ये बताना है अस्टिन आर्ग्यूड दैट द प्रोसीजर मस्ट बी करेक्टली एंड कम्पलीटली एंड द पर्सन परफॉर्मिंग द स्पीच एक्ट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड था फीलिंग्स बिलीव एंड इंटेंशन फॉर द स्पीच एक्ट टू बी फेलिशियस इसमें हमने ये बताना है कि दैट इज द कम्युनिकेशन मस्ट बी कैरिड आउट द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम एंड नॉर्मली विद द सर्टेन इंटेंशन के जो बंदा बात कर रहा है वो राइट पर्सन होना चाहिए राइट पर्सन से मुराद ये जो हमने पहले देखा कि अथॉरिटी होनी चाहिए राइट प्लेस और राइट टाइम यानी कि राइट प्लेस और राइट टाइम में हम जो पहले हमने पढ़ा कि फीलिंग्स आ जाएंगी थॉट्स आ जाएंगे और कमिट होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ठीक है एंड विदर्टेन इंटेंशन ठीक है तो सिंसियरिटी कंडीशन भी इस पर अप्लाई होगी और इट विल नॉट वर्क इफ टू ऑफ दीज एंड कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड यानी कि कोई भी दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई अगर नहीं होगी तो ये स्पीच एक्ट कभी भी फुलफिल नहीं होगी द स्पीच एक्ट विल नॉट बी अचीव्ड एंड विल मिस फायर तो अचीव नहीं होगी ठीक है और फिर हम उससे कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें अल्लाह हाफिज़